मजदूर जथेबंदी के तरफ से भारत नगर चौक पर धरना। जी हां, शेरपुर मार्केट से भाकपा माले सीपीआईएमएल लिबरेशन के जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में शेरपुर मेन मार्केट से भारत नगर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में 150 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। लुधियाना के सभी मजदूर और किसान जथेबंदियां हजारों की गिनती में भारत नगर चौक पे इकट्ठे होकर मोदी सरकार के तीन काले कानूनों का विरोध किया गया और तीनों किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर नारेबाजी की गई और जो 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने किसानों पर झूठे पर्चे किए थे उसको रद्द करो और जो जेलों में हैं उनको रिहा करने की मांग की गई। ये आंदोलन और तीखा होगा। इस अवसर पर कामरेड जयप्रकाश नारायण, बाबा अलाउद्दीन अंसारी, बब्बन पासवान, सत्येंद्र पंडित, राम जन्म, संजय कुमार, बंटी, आलम, कमलेश रजक, नंद बिहारी, मधु प्रधान, काजल देवी, पूजा रानी, कौशल्या रानी, रिंकी, रजनी, ज्योति, विजय कुमार, राकेश कुमार, नीरज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। न्यू इंडिया न्यूज़ संवाददाता बबलू अंसारी, लुधियाना से खास रिपोर्ट। मैं बेनती करा साथी मनु सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के आगू, वो 5 मिनट लिए अपना संबोधन देंगे। साथी मनु सिंह आ जाओ साथी जी। इन्हों तो बाद साथी जसवंत सीरक इनकलाबी केंद्र पंजाब वालों तैयार रहने, उन्होंने का समा 10 मिनट है। साथी मनु सिंह जी आ जाओ। लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्हों का समा 7 मिनट है साथी मनु सिंह। साथियों, जितने पंजाब के कोने कोने से सबकारी किसान मजदूर साथियों को मैं जय हिंद करता हूँ। साथियों, आज के जो इस सरकार आई, बहुत लंबी लंबी भाषण दी, हम अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन कितना अच्छा लाए मोदी साहब। मोदी साहब, गलियों में, रोडों पर आपकी चुनी के लाल